हुकूमत की तरफ से रमजानुल मुबारक में फल, सब्जियों और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा न करने की हदायत के बावजूद बूरेवाला में रमजान का माह मुकद्दस शुरू होते ही नाजायज मुनाफा खोर मैदान में आ गए, जिन्होंने फल, सब्जियों और दीगर खाने पीने की अशिया में मन माना इजाफा करके अवाम को लूटना शुरू कर दिया। कीमतों में इस मनमाने इजाफे से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। नींबू पहले रमजान तो पहले जी 160 रुपए किलो से 400 रुपए किलो इतनी आगे लगी, बहुत महंगाई हुई है। हाँ जी, समझ नहीं आ रही हुकूमत कर की रही है, जो कोई कंट्रोल नहीं है, हर किसी ने अपना 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 हिसाब लगाया हुआ है। माह रमजान का लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। लींबू माह रमजान से 4-5 दिन पहले 80 रुपए किलो मिलते थे, आज वही लींबू 500 रुपए किलो में मिल रहे हैं। जो सेब 100 रुपए में बिकता था आज 300 रुपए में बिक रहा है। जो खजूर 160 रुपए में बिकती थी आज वो 300 रुपए में बिक रही है। ये लोगों के साथ सरासर ज्यादती है। इंतजामिया को चाहिए कि गरीब आवाम को, रोजादार को रिलीफ मिलना चाहिए, तो इसी में आवाम की। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह रमजान मुबारक के दौरान अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी लाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए।